बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइवर बेसिकली मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कुछ स्किल्स हमारी हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो कि अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। लोगो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये फील्ड की टाइप है ना, मिसलेनियस डिजाइन। उसके अलावा वेबसाइट के लिए हम बैनर बना सकते हैं, प्रोडक्ट एंड गेमिंग, प्रिंटिंग डिजाइन, उसके अलावा विजुअल डिजाइन, मार्केटिंग डिजाइन, पैकेजिंग एंड कवर डिजाइन, आर्किटेक्चर, फैशन एंड मर्चेंडाइज, टी शर्ट डिजाइन, हम लोगों ने देखा था 3D डिजाइन। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब इन सर्विसेज को हम लोगों ने फाइबर पर क्या करना है, सेल करना है। फाइबर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करता है एक जगह, एक एरिया जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास स्किल है, क्या स्किल, क्या आपके पास एक चीज है, कपड़ा है, आपने उसको बेचना है, आप किसी मार्केट में बेचोगे। अब आपके पास स्किल है जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो। खासकर फीमेल्स के लिए मैं बोलूंगी कि जो फीमेल घर बैठे ऑनलाइन वर्किंग करना चाह रही हैं, उनके लिए फाइबर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप फाइबर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें, प्रोफेशनल अकाउंट, कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जानते हो मैं ASP.Services का प्लेटफॉर्म रन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, साइन अप पर जाना है फाइबर पर, और आपने अपनी प्रोफाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो जो वो मांग रहे हैं वो आपने इनको प्रोवाइड कर देनी। फाइबर आपकी जो इंफॉर्मेशन है रियल इंफॉर्मेशन ही लेगा। आपको यहाँ पे अपना इमेज लगाएंगे, फिर आप अपना इमेज यहाँ यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा फिर चांसेस होते हैं कि लोग आपको ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि आपकी अथेंटिक है, आपकी प्रोफाइल अथेंटिक है, तो ये चीज इससे क्लियर हो जाती है कि जब आप अपनी पिक्चर लगा देते हो। अब ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मतलब एक कंपनी है, कंपनी के लिए लोगो इस्तेमाल होता है, सो दैट्स व्हाई मैंने अपना यहाँ पर लोगो लगाया और अपना नेम रखा है ASQ.Services, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्राफिक, कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर, और यहाँ पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है। बट ये सारा प्रोसेस आपको लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। मैं लेक्चर सेंड करूंगी, आप लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएशन का मैं लेक्चर शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ। आप लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, मैं एक्चुअली आपका टाइम बचा रही हूँ कि हम एक स्किल भी सीख लें और हम लोग साथ साथ अकाउंट भी क्रिएट कर लें। ये इंशाल्लाह मैं लाइव लेक्चर में क्रिएट कर दूंगी। उसके बाद हमारी प्रोफाइल के थ्रू हम लोग सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज कैसे होती हैं? सर्विसेज गिग के थ्रू होती हैं, ये होती हैं हमारी गिग्स। मैं आपको मेन स्क्रीन पर दोबारा जाके दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर हम लिखे, हम लोगों ने लोगो डिजाइनिंग सीखा था, लोगो लिखती हूँ, सर्च करूंगी। अब किसी को लोगो डिजाइन करवाना है तो वो फाइबर पर आएगा, यहाँ पर लोगो डिजाइनिंग की गिग देखेगा, ठीक है। उसको जिसकी गिग पसंद आ जाएगी, मतलब जिसकी गिग की अच्छी SEO होगी, या जिसके उसके उसको इमेजेस पसंद आ जाएंगे गिग के, जो उसने पहले जो लोगोस बनाए हैं वो काफी अच्छे हैं। यहाँ से अगर हम किसी की प्रोफाइल देखें, अगर उसको इनकेस इसकी गिग पसंद आ जाती है, वो इसको ओपन करेगा, इसकी प्रोफाइल पर जाएगा, डिटेल से चेक करेगा कि प्राइस क्या है, ठीक है, पैकेज क्या है उसका, पैकेज क्या है, और उसके बाद इमेजेस देखने के बाद वो डिस्क्रिप्शन देखेगा कि इसने क्या प्रोवाइड किया है इन्फॉर्मेशन। अबाउट दिस गिग में हम लोग लिखते हैं कि हम किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसने कहा है, व्हाट विल यू रिसीव, टू और थ्री मॉडर्न बिजनेस लोगो कॉन्सेप्ट, मिनिमलिस्टिक 3D लोगो कॉन्सेप्ट, वन ऑन टाइम डिलीवरी, फ्रेंडली कस्टमर सर्विसेज, प्रीमियम क्वालिटी, वेक्टर सोर्स फाइल। वेक्टर सोर्स फाइल होती है एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल को कहते हैं, जो हम सेव में जाके सेव करते हैं, एक्सपोर्ट में नहीं। अच्छा, हाई क्वालिटी PDF, JPEG एंड PNG, अगर उनको ये चाहिए तो ये भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर से। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। उसने बोला कि आपको मेरी तरफ से ये सब कुछ रिसीव होगा, ठीक है, और मुझे ट्रस्ट क्यों करना है। उसने ये भी मेंशन कर दिया, बेस्ट क्वालिटी लोगो फ्रॉम स्क्रैच, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अनलिमिटेड रिव्यू एंड डिलीवरी ऑन टाइम, 24/7 कस्टमर सर्विसेज, वो हर वक्त रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल है।
हालांकि वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, 1 घंटा हो गया वो ऑफलाइन है बंदा, ठीक है। ये लड़की कोई पाकिस्तानी है, इसका नाम आमना ही है, ठीक है। इसको ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं गिग के ऊपर? 110 ऑर्डर्स आए हुए हैं इसको। इसने अपने लोगों की प्राइस क्या रखी हुई है? $50। हम यहाँ पर एक पूरे का पूरा पैकेज तैयार करके इमेज के साथ, जिस तरह से हम लोग किसी दुकान के ऊपर कोई चीज रखते हैं उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये इसकी प्राइस इतनी है और इसमें कलर ये प्रोवाइड है, आपने बाय करना तो इतनी प्राइस में आप इसको बाय कर सकते हो। उसी तरह से फाइबर पर भी आपने इमेजेस अपलोड करने हैं, आपने प्राइस बतानी है, आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो। बेसिक पैकेज में उसने कहा है टू स्टार्टर लोगो, हाँ टू स्टार्टर लोगो प्लस PDF, ट्रांसपेरेंट फाइल प्रोवाइड करेगी और 3 रिव्यूज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसने बोला 3 डे डिलीवरी होगी और 3 रिव्यूज होगी। ये उसने अपने पैकेज में तैयार करके फाइबर पर रख लिया है, जिसको हम गिग बोलते हैं। फाइबर की जुबान में इसको गिग बोलते हैं। जो हम पैकेज तैयार करते हैं ना किसी भी स्किल के लिए, उसको गिग बोला जाता है। अब पैकेजेस भी 3 तरह के होते हैं। अगर आपने सिंगल पैकेज रखना है, आप सिंगल एक लोगों का $50 भी चार्ज कर सकते हो, $10 भी चार्ज कर सकते हो, $5 भी चार्ज कर सकते हो, $100 भी चार्ज कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये बेसिक पैकेज में उसने $50 प्राइस रख लिया, स्टैंडर्ड में उसने $100 रख लिया और प्रीमियम में उसने $180 प्राइस रख लिया, ठीक है। उसने 3 तरह के पैकेजेस तैयार कर लिए हैं और तीनों में उसने अलग अलग स्पेसिफिकेशन रखी है। पहले में वो 2 लोगों बना कर देगी, तीसरे में उसने कहा है 3 वो लोगों बना के देगी और सोर्स फाइल भी साथ प्रोवाइड करेगी। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि सोर्स फाइल के हमेशा एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। सोर्स फाइल कौन सी फाइल होती है? सोर्स फाइल होती है एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डिजाइन बनाया हुआ है, सोर्स फाइल से जिसको हम सोर्स फाइल प्रोवाइड करेंगे वो उसको एडिट कर सकेगा। मतलब ये है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लोगो बनाया ये अगर एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल है, मैं अगर एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल उसको प्रोवाइड कर दूंगी तो वो उसको एडिट कर सकेगा और आगे जाके उसको यूज भी कर सकेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल थी, इसको वो एडिट कर सकता है। और अगर मैंने क्लाइंट को PNG फाइल प्रोवाइड की, PNG मतलब पिक्चर फॉर्मेट में, तो मैंने अगर उसको PNG फाइल प्रोवाइड की तो ये एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन होके एडिट नहीं होगी। अगर मैं इसको ओपन करूँ एडोब इलस्ट्रेटर में, ओपन विद एडोब इलस्ट्रेटर कर रही हूँ, अगर मैं इसको ओपन करके यूज करना चाहूँ तो ये एडिटेबल नहीं है, ठीक है। सोर्स फाइल कहते हैं AI फाइल को। ये देखें, मैंने MT के नेम से लोगों का नेम रखा हुआ है, MT1, ठीक है, .AI आपको नजर आ रहा होगा, आगे AI लिखा हुआ है, ये होती है सोर्स फाइल। आपने सोर्स फाइल के हमेशा एक्स्ट्रा चार्ज करने हैं ताकि वो आगे खुद से अगर उसको एडिट करना चाह रहा है, उसमें थोड़ी सी मॉडरेशन करना चाह रहा है, तो आपने उससे एक्स्ट्रा चार्ज लेना है। अब उसने $50 में 2 लोगों कहे थे, स्टैंडर्ड में वो 3 लोगों कह रहा है, बट सोर्स फाइल ऐड कर रहा है। सोर्स फाइल के ही बेसिकली वो $50 चार्ज कर रहा है कि अगर आप $50 में 2 लोगो बना रहे हो तो मैं आपको $100 में 3 लोगो प्रोवाइड करूंगा विद सोर्स फाइल, जो कि आप एडिट भी कर सकोगे। उसके बाद प्रीमियम $180, ठीक है, 3 प्रीमियम लोगो, सोर्स फाइल भी होगा, वेक्टर फाइल भी होगी और अनलिमिटेड रिवियन भी प्रोवाइड करेगा और सोशल मीडिया किट प्लस VIP सपोर्ट, मतलब वो बार बार उसको रिवियन प्रोवाइड करेगा। और अगर कल को उसने इसमें मजीद अल्टर करवाना, चेंज करवाने हुए अपने लोगों, तो वो चेंज भी करके देगा, ठीक है। उसने बोला कि वो हर तरह से सपोर्टेबल फाइल्स प्रोवाइड करेगा, वो प्रिंटेबल होगी, वो वेक्टर होगी, वो लोगों की ट्रांसपेरेंसी भी होगी, 3D मॉकअप भी बना के देगा, ठीक है, 3D मॉकअप भी वो बना के दे देगा। आज मैंने 3D मॉकअप के बारे में भी आपको जरा बताना, तो ये उसने बोला है कि वो प्रीमियम में $180 चार्ज करेगा, स्टैंडर्ड में कम होगी, बेसिक में उससे भी कम प्राइस होगी। ये बेसिकली हमारे बने बनाए पैकेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको मेरी प्रोफाइल का दिखाया, मैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन करती हूँ, मैंने यहाँ पर मेरी काफी सारी प्रोफाइल्स हैं, सिर्फ ASQ के नाम से मैंने बनाई है, वैसे तो मैं टीचिंग के लिए कर रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने थंबनेल पे बनाई है $10 पर, मैंने गिग बनाई है, ये मेरी प्रोफाइल में दोबारा से एक दफा शो करवाती हूँ।
ये मेरी गिग्स बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं कैनवा पे एडिटिंग करना चाह रही हूँ, कैनवा में कोई भी डिजाइन $25 में बना कर दूंगी। उसके अलावा थंबनेल अगर क्रिएट कराना है तो वो मैं $10 में क्रिएट करूंगी, ठीक है। आई विल क्रिएट एनी टाइप ऑफ थंबनेल। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, गिग के ऊपर। मैंने इन पैकेजेस का नाम रखा हुआ है सिल्वर स्टैंडर्ड में डायमंड होना चाहिए था। अच्छा, तीनों का सिल्वर मैंने रखा हुआ है, $1,000 है। अच्छा, अभी लोड हो रही है, $10 है, उसके बाद $30 है, उसके बाद $40 है, ठीक है। मैंने तीनों में चेंजेस भी कर दिए हैं। पहले में 3 थे थंबनेल, स्टैंडर्ड में मैंने रख दिए हैं 8, और प्रीमियम में मैंने रख दिए हैं 12 यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, विद एसईओ कीवर्ड। ये मैंने चेंजेस तीनों में बता दिए हैं। आप लोगों ने भी अच्छे चेंजेस बताने हैं ताकि आपका जो पैकेज है लोग प्रीमियम वाला ही सिलेक्ट करें। प्रीमियम वाले में ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए। लोगों की गिग्स देखती हैं, ठीक है। लेक्चर में आपको डिटेल से समझ आ जाएगा। आज मैंने पैकेजिंग डिजाइन पे बात करनी थी 3D मॉकअप पे, तो इसलिए मैं जस्ट इसका आपको इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ। तो ये आपकी प्रोफाइल और ये आपकी गिग्स हैं। आप जिसने ऑर्डर प्लेस करना है वो आपकी गिग देखेगा, प्रोफाइल देखेगा, प्रोफाइल में जाएगा। प्रोफाइल, वैसे मेरी प्रोफाइल ही ओपन है, ये प्रोफाइल ही है मेरी। प्रोफाइल देखेगा कि वो मैं कब से मेंबर हूँ। मैं 2022 से यहाँ पे मेंबर हूँ, और वो मेरी प्रोफाइल में जाके जिस गिग को सिलेक्ट करना, फॉर एग्जाम्पल थंबनेल उसने क्रिएट करवाना है, वो थंबनेल की गिग पर क्लिक करेगा। गिग ओपन करने के बाद वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है, कंटिन्यू करेगा और यहाँ कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट नहीं करने से वो चैटिंग चैट बॉक्स होता है, फाइवर का भी एक चैट बॉक्स होता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फाइवर की ऐप भी मोबाइल में डाउनलोड कर लो, ताकि आपको कोई मैसेज आए तो आपको फटाफट पता लग जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ज्यादा देर कोई लैपटॉप को ओपन करके नहीं रखता, ठीक है। तो अगर आप लोग ये काम करोगे, अपनी स्किल को ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस पे वर्किंग करनी है। मैंने प्रॉपर एसईओ के साथ गिग कैसे बनाते हैं, गिग को रैंक कैसे करते हैं, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है। मैंने इसका पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है, फाइवर के अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, मैं दिखाती हूँ आप। मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि लाइव लेक्चर में ना बताऊँ, क्योंकि लाइव लेक्चर में कम टाइम होता है, जूम की मीटिंग भी जल्दी एंड हो जाती है, काफी चीजें कवर नहीं होती। मैं चाह रही हूँ कि प्रॉपर आप एसईओ के साथ बनाओ और आप लोगों को कोई फायदा भी हो, ठीक है। अकाउंट क्रिएट किया है या गिग क्रिएट किया है? हाँ, असाइनमेंट के लिए भी आप कर सकते हो। ये देखिए, मैंने ये आपको पूरी मैं प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगी, इसमें प्रॉपर डिटेल्स है। एसईओ के साथ आपने गिग कैसे बनानी है, एसईओ के साथ आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारा है। मैं यान मोंटेसरी के चैनल पे ही अपलोड कर दूंगी ये लेक्चर, वहां से आपको लिंक सेंड कर दूंगी, नहीं तो यही वाला सेंड कर दूंगी। और ये देखें, गिग, एक गिग जो परफेक्ट गिग होती है, जिसके ऊपर आपको ऑर्डर चाहिए एसईओ फ्रेंडली, उसको बनाने में कम से कम भी आपके 8 से 9 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो आपने ये टाइम मैनेजमेंट देख लेनी है कि आप प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर टाइम देके अपनी गिग को बनाओ, ठीक है। ये 9 लेक्चर है। अब ये पूरे 9 लेक्चर देख के स्टेप वाइज आप लोगों ने एक, यानी ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग नहीं है वीडियो, कुछ आधे घंटे की है, कुछ पौने घंटे की है, कुछ 4 मिनट की है, कुछ 5 मिनट की है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 के लिहाज से मैंने अपलोड की हुई है। तो आप लोगों ने ये सारी वीडियोस देखनी है और इसके अकॉर्डिंगली ही अपनी गिग बनानी है। हाँ, ये इंग्लिश स्किल टेस्ट। हाँ, आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करवाने के लिए इंग्लिश स्किल टेस्ट भी एक देना पड़ता है, जिसमें आपकी ग्रामर वगैरह चेक होती है, ग्रामर वगैरह चेक होगी, और आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे एमसीक्यूज की सूरत। तो वो टेस्ट लाजमी आप लोगों को देना पड़ता है, और फोन नंबर भी वेरीफाई करवाना पड़ता है गिग क्रिएट करने से पहले। तो ये दोनों काम आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल में जाके कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपनी प्रोफाइल में जा रही हूँ,
जो लेक्चर्स मैं सेंड करूंगी ना उसमें डिटेल से टेस्ट वगैरह के बारे में भी सारा कुछ बताया हुआ है, और ये जो हमारे यहाँ पे बैजेस हमें मिलते हैं उसके बारे में भी सारा कुछ बताया हुआ है, और ये जो सारी प्रोफाइल है ये देखिए टेस्ट ऑलरेडी मेरा टेकन है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ रहा होगा कि टेस्ट आप लोगों ने देना तो वो कैसे देना है, ठीक है वो भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है। आपने सारे अपने अकाउंट अटैच कर लेने हैं, स्किल्स यहाँ पे डिटेल से बतानी है, एजुकेशन बतानी है, सर्टिफिकेट्स बतानी है। सर्टिफिकेट है अमाउंट इस तरीका ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, और एजुकेशन आप अपनी एग्जैक्टली बताइएगा। मैं दूसरी प्रोफाइल दिखाती हूँ अगर ये ओपन हो जाए तो। फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, सो एहतियात कीजिएगा कि एहतियात वैसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए मैंने भी अपनी ही पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पर, आप लोगों को थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल करना पड़ता है कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, मतलब आपका नंबर, आपकी फेस वेरिफिकेशन भी होगी, वीडियो वेरिफिकेशन भी होगी, आपको आपको अपनी छोटी सी वीडियो बना के फाइवर को प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी। जो लड़कियां पर्दा करती हैं उनको भी ये काम करना पड़ेगा फाइवर पर अकाउंट बनाने के लिए, तो ये हमारी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी है, ये पब्लिक कभी भी नहीं होती ऐसी चीजें, तो आप लोग ये काम कर सकते हो। अच्छा ये मेरी प्रोफाइल मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरी सारी गिग्स बनी हुई है, यहाँ से मुझे बैज भी मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन भी एडिट है, लैंग्वेजेस भी एडिट है, अकाउंट भी अटैच है, स्किल्स भी ऐड है, एजुकेशन भी ऐड है, सर्टिफिकेट्स भी ऐड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, और रिव्यूज भी मेरे यहाँ पे मौजूद, जो मुझे ऑर्डर आए थे उनके रिव्यूज भी यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोगों ने भी अपनी गिग्स यहाँ पे अच्छे से बना लेनी है। मैं आपसे इंशाल्लाह लेक्चर शेयर कर दूंगी आज ही कल तक, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, कल इंशाल्लाह जिन लोगों ने गिग के ऊपर काम कर लिया वो लोग उन लोगों को गिग के हवाले से मैं गाइड कर दूंगी, और जिन लोगों ने गिग पर अभी काम नहीं किया तो हम कल इंशाल्लाह गिग पर भी डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा मुझे मॉकअप के बारे में आपको बताना था, मॉकअप क्या होता है। मॉकअप बेसिकली हम लोगों ने याद है मॉक डिजाइन सीखा था, हम लोगों ने मार्क डिजाइन सीखा था, याद है आप लोगों को मार्क डिजाइन और टी शर्ट डिजाइन। अब ये मेरे पास एक लोगो है, मैं इसको AI फाइल्स की ओपन करती हूँ, ये मेरे पास एक लोगो है AI में, ठीक है मैं इसको एक्सपोर्ट कर रही हूँ पहले तो PNG में, बल्कि ऑलरेडी मेरे पास है। अब मुझे इसका मॉकअप डिजाइन बनाना है, कोई मुझे कहेगा कि मुझे इसकी ब्रांड किट चाहिए या इसका मॉकअप डिजाइन चाहिए, तो मॉकअप के लिए हमारे पास प्री मॉकअप की वेबसाइट काफी मौजूद है, प्री मॉकअप जनरेटर आप लिखें और ऑनलाइन ही हम लोगों ने जनरेट करना है। एक वेबसाइट तो कैनवा भी है, आप कैनवा पर जाएं, ठीक है क्रिएटा मॉकअप पर क्लिक करें, अब इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ, यहाँ से आपने मॉकअप सिलेक्ट करना है, पहले मॉकअप को सिलेक्ट करें, यूज इन एग्जिस्टिंग डिजाइन, नहीं न्यू, न्यू में जाएं, फेसबुक पोस्ट का साइज ले रही हूँ मैं, ये देखें ये बने बनाए हमें मॉकअप के डिजाइन यहाँ पे मिल जाएंगे।
अब यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने अपना अपना लोगो अपलोड करना, फॉर एग्जाम्पल ये भी पैकेजिंग के लिए है, ये अपेरल के लिए है और ये प्रिंटिंग के लिए है। अब मैंने लोगो के लिए अपेरल भी हो जाता है, मतलब टी शर्ट डिजाइन के ऊपर, मग डिजाइन के ऊपर, डिफरेंट चीजों के ऊपर, ये देखिए हुडीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये पिक्चर सिलेक्ट कर रही, ठीक है, ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ से अपलोड पे जाएंगे, पहले पिक्चर अपलोड करेंगे। मुझे ये वाला लोगो ऐड करना था, वैसे वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, मैं वाइट बैकग्राउंड वाला अपलोड कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, क्योंकि टी शर्ट का कलर भी वही है, अगर ट्रांसपेरेंट करेंगे तो डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। ये देखें ड्रैग करके बस मैं फ्रेम के पास लेके गई हूँ इसको, ये अभी इसमें अपलोड हो जाएगा। इसको मैं अभी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा लोडिंग होगी इसकी। ये देखें ये डायरेक्ट इसकी शर्ट के ऊपर डिजाइन आ गया, ठीक है, इसको कहते हैं मॉकअप डिजाइन। अब यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो हमें बिल्ट इन करके दे देती हैं, जस्ट हम लोगों ने इमेज अपलोड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेज ये वाला ही अपलोड कर रही हूँ और ब्राउज ऑल मॉकअप करूंगी। कुछ वेबसाइट फ्री हैं, कुछ वेबसाइट पेड हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर प्रो आ रहे हैं, ये फ्री है, ये कैनवा वैसे बेस्ट है इस चीज के लिए। ये देखें मग के ऊपर ऑटोमेटिकली इन्होंने प्रिंट करके, जैसे कि प्रिंट होके हमें शो होता है, वैसे इन लोगों ने हमें मग के ऊपर हमारा डिजाइन ऐड कर दिया। डिजाइन हमारा क्या था, डिजाइन हमारा ये था, डिजाइन भी देख लें, डिजाइन ये था, इन्होंने मग के ऊपर ये और ऑटोमेटिकली इसको मॉकअप का डिजाइन बना दिया, ठीक है, मग का डिजाइन बना दिया, तो इसको मॉकअप डिजाइन कहते हैं। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, मीडियम ही करूंगी क्योंकि प्रो वाला पेड है। काफी फ्री वेबसाइट भी है, फ्री वेबसाइट के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, साइन इन कर ले, इन वेबसाइट को पिन कर ले, यहाँ से बुक मार्क कर ले अपने पास, ताकि आगे फ्यूचर टाइम के लिए आप यूज कर सकें। जब भी आप किसी अपने क्लाइंट को लोगो बना के प्रोवाइड करेंगे ना, तब आप लोगों ने उसको ब्रांड किट भी प्रोवाइड करनी है, ये एक अच्छा इंप्रेशन प्रोवाइड करती है आपके क्लाइंट को, ठीक है। आप इसको कैनवा से भी कर सकते हैं, अब ये देखिए मैंने कैनवा में इसको कर लिया, मैं इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर लूंगी, बट ट्रांसपेरेंट के लिए पेड वाला होना चाहिए कैनवा, तो अभी पेड नहीं है, मैं इसको ऐसे ही डाउनलोड कर रही हूँ। या बैकग्राउंड ब्लैक कर लें, यहाँ से बैकग्राउंड ब्लैक कर लें इस तरीके से, ठीक है, देखें ये हमारे पास पिक्चर आ गई, ठीक है, मैं आपको दूसरी भी दिखाती हूँ। अब ये क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी, हमारे पास आ गई मॉकअप डिजाइन, एक ये आ गया, ठीक है, दूसरा ये मग डिजाइन आ गया। हम किसी भी चीज के ऊपर ऐड कर सकते हैं, मोबाइल फोन के ऊपर या जो भी हमें मॉकअप डिजाइन के लिए चाहिए, ठीक है, मॉकअप डिजाइन के लिए डिफरेंट चीजें होती हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ आइए मॉकअप डिजाइन क्या होता है और आप कैसे इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ से हमको ये और फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं, बेसिकली फ्रेम ही आप इसको कह सकते हैं। अब ये प्रिंटिंग के लिए आ गया, आप बिजनेस कार्ड बनाते हो, बिजनेस कार्ड के ऊपर भी आपका लोगो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस कार्ड का डिजाइन है, इसमें जस्ट मैंने इमेज अपलोड कर देना है, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से एडिट कर रही हूँ। नहीं, ये सिर्फ हम लोगों ने डिजाइन के लिए उनको, यानी एज अ शो करवाने के लिए कि प्रिंट होके ये कैसा दिखेगा,
उसके लिए हम लोगों ने सेंड करना, ताकि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए कि प्रिंट होके उनका डिजाइन ठीक दिखेगा। मॉकअप इसीलिए बनाए जाते हैं, अदरवाइज हम लोगों ने तो उनको डायरेक्ट लोगो की फाइल ही देनी। जो मेन उनके काम की है वो लोगो की फाइल है। ये प्रिंटर का काम होता है कि शर्ट के ऊपर प्रिंट करे। ये देखिए मैं इसके ऊपर ड्रैग करके लेके आ रही हूँ। ये हमारा बिजनेस कार्ड का आ गया, ठीक है। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड कर लेते हैं ताकि अच्छी लगे, ठीक है। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये कहलाती है हमारी ब्रांड किट, ठीक है। ये हमारी ब्रांड किट कहलाती है। ये देखें डिफरेंट चीजों पे हमारा लोगो कैसा लग रहा है, हम यहाँ से मॉकअप डिजाइन चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। समझ आई है ये सारी